हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ ना, कि जिन जिन लोगों का IBPS PO मेंस एग्जाम था, ठीक है, तो उसको लेकर के जो हुआ बना हुआ है ना कि पेपर टफ था टफ था टफ था। देखो मेरे दोस्त, मेंस का पेपर ना टफ होता ही होता है, ठीक है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं, ठीक है। कहीं ऐसा भी बहुत सारे लोग का होता है ना कि प्रीलिम्स पे ही डाउट रहते हैं, ठीक है, कि पता नहीं मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। और जो लोग खास करके जो प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस किए रहते हैं ना, उनका अगर रिजल्ट आता है ना, उनके लिए ना, ठीक है, ये एग्जाम गड़बड़ होता है। क्यों होता है पता है? देखो, अगर मेंस अगर पेपर टफ आता है ना, ठीक है, तो इसका पूरा बेनिफिट ना उन लोगों को मिलता है जो एकदम सीरियस कैंडिडेट होते हैं, एकदम जो एकदम खूब दिन रात एक करके पढ़ाई किए होते हैं। क्योंकि जैसे ही पेपर टफ आता है, ठीक है, तो इसमें ना सीधा नीचे वाला ना बहुत छट ही जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसके दिमाग में ये होता ही नहीं कि हम क्या सॉल्व करें क्या नहीं करें, इधर उधर में उसका समय खत्म हो जाता है। लेकिन सीरियस कैंडिडेट जो रहता है ना, सीरियस मतलब जो अच्छे से मेंस का तैयारी किए हुआ होता है ना, ठीक है, वो ना चुन चुन करके जो है ना अपना जैसे तैसे एक एक करके भी स्कोर जो है ना वो कर ही लेता है, 15-15, 20 भी कम से कम अटेम्प्ट कर ही लेता है, ठीक है। तो ये तो फायदा उन लोगों को एकदम होता है, तो होना भी तो उन्हीं लोगों को चाहिए ना, है ना। ऐसा मान लो, देख बात बताओ, 2200 अगर सीट रहता है, एक बात बता रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में, तो छटना चाहिए कि नहीं छटना चाहिए? तो सीरियस कैंडिडेट का वही बात रहता है कि क्वेश्चन अगर इजी आ जाता है ना, तब जा कंपटीशन और टफ हो जाता है। जिसका उम्मीद नहीं रहता है उसका भी स्कोर आ जाता है, जो एकदम खूब मेहनत किए रहता है उसका भी रहता है, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है ना। लेकिन अगर पेपर टफ आया है ना, तो उन सभी सीरियस कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस बार मेंस का तैयारी एकदम पूरा ढंग से करें, है ना। इसमें अटेम्प्ट जो है ना सबका कम ही रहता है, आपको एकदम पता होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। एकदम इंटरव्यू का जो तैयारी है ना, वो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही तो बात है ना, जरूरी तो ही ना है कि हाँ आप ये अपने मन से निकाल दो कि हम एक बार मेरा पी आया, मेंस आया, इंटरव्यू आया, हम एक बार कर लेंगे फाइनल। 100 में ना 5% ऐसा बच्चा होता है ना जिसका एक बार में ही फर्स्ट एग्जाम सब क्लियर हो जाता है। अब वो भी इसलिए हो जाता है क्योंकि 2-3 साल पहले से ना तैयारी अपना कर रहा होता है। बहुत लोग ग्रेजुएशन शुरू होते ही, ठीक है, अपना तैयारी कर देता है, जैसे ग्रेजुएशन फाइनल फर्स्ट बार फॉर्म भरा, एकदम हो जाता है क्लियर, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ सालों साल से लगे हुए हैं, ढंग से नहीं कर रहे ना, तो कभी नहीं होने वाला है एकदम। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स जो है ना आप निकाल करके वही निकाल करके बैठे रहोगे एकदम, है ना। तो हैबिट में लाओ, इसीलिए ना डेली टारगेट जो देते हैं ना, सुबह 6 बजे जो आता है ना, उस टारगेट को आप पूरा करो ही करो एकदम। आपका प्री मेंस सब एकदम हैबिट उतना अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको मेंस के लिए सोचना ही नहीं है, सिंपल सा बात है। आप देखो, सिंपल सा ये है ना कि अभी का क्या सिनेरियो रहता है ना, आप बहुत सारे बच्चों से ये सुनोगे ना कि हाँ पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो एकदम सीरियस रहता है ना, वो कहेंगे यार ठीक है पेपर टफ था, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया है ना, तो रिजल्ट उसका होता ही होता है, 100% रिजल्ट उसका होता है। उसका नहीं होगा तो और होगा किसका होगा, है ना। आप किस कैटेगरी में आते हो, अगर आपको भी अभी डर लगता हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद, बहुत सारे लोग भड़क भी जाएंगे, लेकिन असलियत का सामना हर कोई थोड़ी ना कर सकता है एकदम। असलियत यही बात ही है, मानो या ना मानो, है ना। अरे हमको पता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, है ना, अब बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया था, फिर डरना किस बात का है। अगर आप अच्छा से मेहनत किए ही हैं, सब कुछ किए हैं, तो आपका अटेम्प्ट भी बाकी के तुलना एवरेज में तो होना चाहिए ना, होगा तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें सोचना बात ही नहीं। फिर लोग कहते हैं ना कि जो तैयारी करता है उसी के ऊपर सब कुछ पता चलता है, भाई होता है, हम भी जब करते थे तो मेरे ऊपर भी बीतता था, लेकिन असलियत को जिस दिन जान लिए ना, उस दिन आपका सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखो ही रखो। लोग क्या करता है ना कि हाँ मतलब उस ढंग से उस लेवल से तो पढ़ाई करने समय में एकदम करता ही नहीं है, प्रीलिम्स का खूब मौका लगा लेता है, जब प्रीलिम्स निकल जाता है मेंस नहीं निकलता है, तो एक ही रहता है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया मेरा नहीं हुआ। ये आपका मिथ है, आप इस चीज़ से बाहर जिस दिन निकल जाओगे ना, ठीक है, जिस दिन आप अपना कमी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन मेरे दोस्त आपका रिजल्ट फाइनल एकदम हो जाएगा,
है ना। तो ये बात आप हमेशा आप मानो ही मानो, है ना। आपका एक बार लेवल आ जाएगा ना, ठीक है, एक बार लेवल, एक लेवल तक अच्छी तैयारी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। सिंपल सा बात है। कोई भी डाउट है आप कमेंट जरूर करना, मेरा जो थॉट लगा है ठीक है वो मैं बताया हूँ, बाकी आपकी मर्जी, है ना। 23 ऐसे भी खत्म होगा, 24 आएगा 24 जाएगा, 25 आएगा 25 जाएगा, नहीं जिस दिन समझोगे तैसे ही समय खत्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को क्यों फर्क पड़ेगा, है ना। फर्क आपको पड़ने वाला है, सुधर जाओ एकदम, समझ लो। है ना, चलो बाय बाय।